अब हम जा रहे हैं मेरे भांजी के नाम पे लगाया हुआ पेड़ को देखने के लिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़ अभी भी लगे हैं, जैसे मैंने कहा था आपको। ये सुकुंडा का हज्जो है, हज्जो बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सांप भी है, देखिए सांप भी है, फिर भी हमारे सबुज वाहिनी के मेंबर्स कितने अच्छे से आके यहाँ पे प्लांटेशन सब करते हैं। देखिए यहाँ पे सांप, देखिए आप देख सकते हैं क्लियरली सांप को जा रहा है। तो सांप चले गया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, जैसे कि हमने बताया था आपको, देखिए बहुत सारे पेड़ है। देखिए अभी जा रहे हैं हम, यहाँ बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई ना कोई अडॉप्ट किया है उन्हें। और आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, आप भी पेड़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारा है, ये सब लोग मेरे साथ आए हुए हैं पेड़ लगाने के लिए। और यहाँ है मेरे भांजी का पेड़, एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीड होके चले गया आगे। देखिए यहाँ पे सासनम नदिया लिखा है मेरे भांजी का नाम। और ये जामुन का पेड़ है, गोवा जो बोलते हैं। मैंने सिर्फ इस टीना का पैसा दिया है 1500 रुपीज़। और ये वाला जो नेट है ये इसका अलग प्रोटेक्शन के लिए। देखिए पेड़ बढ़ चुका है क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है, इधर भी गाय खा सकता है, तो इसलिए ये वाला प्लास्टिक प्रोटेक्शन उन लोग सबुज वाहिनी की तरफ से देते हैं। और इसके लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेड़ का सुरक्षा और प्रोटेक्शन सभी वो देंगे। आपको सिर्फ इस जाली का पेमेंट करना पड़ेगा जो 1500 रुपीज़ होता है। यहाँ देखिए मेरा भांजी का ना 4th birthday है ये साल, तो इस उत्सव में लगाया है पेड़। देखिए ये सासनम नदिया, ये मेरी भांजी का नाम है और उसका बर्थडे 12/1 है, विच इज 12th of January। जामुन का पेड़ बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी लग रहा है। और मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप लोगों को भी कि अडॉप्ट करें आप भी एक एक पेड़, जो बहुत अच्छा चीज़ है, जो इस टीम को भी डेवलप करेगा और यहाँ पे ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करेगा और नया नया चीज़ों में लगाने के लिए भी हमको बहुत प्रोत्साहित करेगा। देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, वो बच्ची भी आई थी उसका बर्थडे में लगाई थी, और कोई अपना कोई डेथ एनिवर्सरी में लगा रहे हैं, तो कोई अपना मैरिज एनिवर्सरी में लगा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी आके अडॉप्ट करें यहाँ पे पेड़। और यहाँ एक ऑक्सीजन हब जो सबुज वाहिनी का सपना है उसे पूरा होने में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद।